हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको वहाँ पे दिया हुआ है कि कोई पॉजिटिव नंबर है और उसमें कंडीशंस दी हैं कि उसे हम उस पॉजिटिव नंबर को 5 ग्रेटर करें, उसमें 4 प्लस करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसके रेसिप्रोकल के 45 टाइम के इक्वल होगा। तो हमने पहले सपोज किया कि पॉजिटिव नंबर है आपका एक्स, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कंडीशन है, एक्स को हमने कितना एक्सीड किया? 4। हमने 4 इसको बढ़ा दिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो नंबर है इसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x, इसके 45 टाइम के इक्वल होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 4, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो हमने क्या लगा दिया? 1। 45 वन जो 45 और ये एक्स, ठीक है? ये 45 होल नहीं है, ये 45 टाइम है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स का किस में हो जाएगा आपका? एक्स प्लस 4 में, और 45 का 1 में, तो 45 बन जा 45। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x, इसका हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इसे स्प्लिट करना है इस तरह से, बीच वाले नंबर को शायद हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, इसे टू पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए आपके पास? 45, एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए आपका? 4। तो 9 एंड 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4, एंड 9 5 जा 45, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर ग्रेटर नंबर का साइन आएगा तो 9 का साइन हो गया। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, x बचा यहाँ +9। अब ये दोनों जो टर्म बची हुई है, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपका? -5। अंदर क्या बचा आपके पास? x +9, 5 9 जो 45, 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 9। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, x +9 और x +9 दोनों ही इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? x +9। अंदर क्या बचेगा आपके पास? ब्रैकेट में x एंड -5। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आए हैं। देखो दोनों ही जीरो के इक्वल है मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्स प्लस 9 भी किसके इक्वल हो गया? 0। एक्स प्लस 5 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 0। दोनों में से कोई ना कोई तो जीरो के इक्वल होगा, हमने दोनों को ही चेक कर लिया। तो यहाँ फर्स्ट से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? -9, और सेकेंड से क्या आ रही है आपकी? 5। आपका नंबर कैसा है? पॉजिटिव है, तो आपका आंसर क्या होगा? 5। तो आपको आंसर यहाँ सेंटेंस में देना है, पॉजिटिव नंबर विल बी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों नंबर का एडिशन हमारे पास, हमें एडिशन करना है और ये भी चेक करना है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कि एक नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट में हमें 11 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन क्या आएगा ये बताना है, और सेकंड में 15 से डिवाइड करना है और क्वेश्चन क्या आएगा ये बताना है, बिना डिवीजन किए हुए, एक्चुअल डिवीजन। तो हमने दोनों का एडिशन कर दिया, कितना हो गया ये? 165 हो गया। अब 165 को हम क्या कर सकते हैं? ये 5 का मल्टीपल होगा, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 33 करेंगे तो 165 ही आएगा। अब ये 33 क्या हो सकता है? 3 इंटू 11, 11 3 जा 33। हमने क्या किया है, इस नंबर के फैक्टर को लिखा है। यदि आपको ऐसे नहीं बनेगा तो आप फैक्टर निकाल कर भी लिख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं, 165 में फर्स्ट कंडीशन में हमें किससे डिवाइड करना है? 11 से। तो 165 के प्लेस पर हमने ये रख दिया, 11 से 11 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास? 15। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 15, 11 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली ये डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ 11 है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो होगा आपका 15। नेक्स्ट कंडीशन, इसमें हम अब 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका वही नंबर है 165 का, हम ये लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 11। तो 15 से 5 3 जो 15 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? 11। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11। सेम ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट में 8 दिया हुआ, 8 नहीं आएगा, क्या आएगा आपका? 9 नंबर आएगा। ओके, तो आपकी बुक में 8 दिया है पर वो रॉन्ग है, आपको 9 से ही करना होगा फर्स्ट में, यहाँ पर ए नंबर पर 9 से डिवाइड करना होगा और क्वेश्चन बताना होगा, सेकंड में
टू से डिवाइड करना होगा और क्वेश्चन बताना। अब देखिए दोनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, क्या आया हमारे पास 18। 18 को क्या कर सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, इसके फैक्टर लिख दिया हमने, या इसका मल्टीपल लिख दिए, 9 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा और 2 का भी होगा, तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स में लिख दिया। अब फर्स्ट नंबर हमें किससे डिवाइड करना था, 9 से, तो 18 में हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 2 × 9 हो गया आपका 18, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। टैक्स क्वेश्चन है बी इसी का, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे अब 18 को, 2 से, तो 18 डिवाइडेड बाय 2। 18 को हम क्या लिख सकते हैं नंबर में, 2 × 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा आपके पास 9, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 9। अब ये लास्ट नंबर जो है, इन सब का एडिशन हमें बताना है, एडिशन जो है फर्स्ट हमें 11 से डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, सेकंड 37 से करना है, तो हमने देखा है सबको ऐड कर दिया, 666 आया, ऑब्वियसली ये किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 का, क्योंकि यहाँ सारे नंबर 6 × 6 × 111 हो गया। अब ये 111 जो है ये 3 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों को ऐड करो तो 3 आ रहा है, इट मीन्स इसमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 × 37 लिख सकते हैं हम 11 को, 111 को, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल होगा, जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से यही नंबर आएगा। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए डिवाइड भी करना और क्वेश्चन भी निकालना है, तो 18 से डिवाइड किया हमने, 6 × 3 = 18, ये दोनों नंबर इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 37। जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 37। नेक्स्ट नंबर है फिर आपका, यदि आप यही नंबर को 37 से डिवाइड करो तो 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, क्या नंबर बचेगा आपके पास 18, तो आपका क्वेश्चन होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दिया हुआ है हमें, ये जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो लास्ट में देखो 4 + c = 7 है, तो c = क्या हो जाएगा 7 − 4, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब हम बात करते हैं b + 8 = 2, यदि हम 8 में कोई भी नंबर प्लस करें तो 2 आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा वो 12 आएगा, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 12, तो b = क्या होना चाहिए 12 − 8, 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4। अब यहाँ पर देखते हैं जब ये 12 होगा तो इसका कैरी 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 + a + 4 = क्या होगा आपका 3, यहाँ सारे ग्रेटर नंबर है, इट मीन्स 3 ना होकर ये क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, ऐड कर दिया 4 + 1 5 + a = 13 हो गया, a = 13 − 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब यहाँ पर ये 13 है तो इसका कैरी 1 भी कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तो आपका हो जाएगा फिर 6 + d + 1 = 9 होगा। अब यहाँ पे ये सारी नंबर लेस देन है 9 से, इट मीन्स इसमें 1 आपका टेंस में नहीं आएगा, ये नंबर वंस नहीं आएगा। यदि आपका लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर ग्रेटर हो राइट साइड से, तो आपको वहाँ पे क्या लेना होगा, ये वैल्यू टेंस में ही आएगी, 2 डिजिट में आएगी, ओके। जैसे यहाँ देखो सारी नंबर ग्रेटर है 3 से, 4 + 1 = 5 ग्रेटर हो गया 3 से, एडिशन किए तो इट मीन्स ये 2 डिजिट में होगा। यहाँ देखो यहाँ 8 ग्रेटर है 2 से, इट मीन्स ये क्या होगा आपका 2 डिजिट में होगा। यहाँ देखो आपका ये सारे 6 और 1 = 7, इससे लेस देन है तो 2 डिजिट में नहीं होगा। अब हम 6 और + 1 = 7 को अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। अब हम सारी वैल्यू को रख कर यहाँ पर चेक करते हैं, 6, ए की वैल्यू क्या आई 8 एंड बी 4 प्लस, ये 4 आ गया। अब सी की वैल्यू यहाँ 3, 8, 4 और डी की वैल्यू है 2, एडिशन करते 4 + 3 = 7, 8 + 4 = 12 कैरी 1, 8 + 4 = 12 and 1 = 13 कैरी 1, 6 and 2 = 8 + 1 = 9, तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। एडिशन वाले एक ही क्वेश्चन है वहां पर, बाकी फिर मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, अभी आपको 5.1 पूरा कंप्लीट करना है एंड 5.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है।